हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो अभी हम लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें क्वांटम नंबर के बारे में विशेष जानकारी दिए हैं। पूरे 2 साल जो बच्चे साइंस लेकर आगे बढ़ते हैं उसे इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, और हमने इसमें बहुत ही आसान करने का प्रयास किया है और क्वांटम नंबर के सभी टाइप्स को मैंने बताया है और एकदम ऐसा तरीका से समझाया गया है कि आप तुरंत इसको पकड़ लेंगे और इसे बार बार सुने। और आईआईटी और मेडिकल के बहुत सारे प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, तो आप बहुत मेहनत करो और आप सफल हो जाओ। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सफल हों और इस लेक्चर को बहुत दूर तक पहुँचाना, सभी बच्चे इसको सीख सकें, इतना हम चाहते हैं कि इस लेक्चर को तुम लोग कितने आगे ले जाओ कि भारत के सभी बच्चे, विश्व के सभी बच्चे इसको सुने और मेरा अनुभव देखें कि हम कितने सिंपल वे में क्वांटम नंबर को और इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। बोर ने क्या बताया सुनिए। इंट्रोड्यूस्ड बाय बोर, बोर ने क्या बताया? बताया कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होगा, तो उसके पास एक निश्चित ऊर्जा होगी, निश्चित दूरी पर निश्चित ऊर्जा होगी, तो एक घेरा होगा। दैट घेरा इज कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट की संख्या का पूरा समाधान प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने किया। ध्यान देना, ऑर्बिट की संख्या का समाधान, कि आप किसी घेरा को पार्टिकुलर फिक्स कर देते हो, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट के बारे में जो जानकारी देते हो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हुआ कि ऑर्बिट, यानी देखना, ऑर्बिट को ये सेल बोलते हैं, उसी को एनर्जी लेवल बोलते हैं। ऑर्बिट, सेल, एनर्जी लेवल, तीनों सेम चीज है। बोलो, क्लियर कॉन्सेप्ट? Yes। यानी ये बोर ने आइडिया दिया, क्या आइडिया दिया, नोट कर लेना। इट गिव्स द आइडिया अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है, कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। आप देखो, यानी छोटी एन ये इशारा किया, छोटी एन कहता है, ध्यान दे दे रहा था, कि मानो ये न्यूक्लियस है, मानो ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, क्या भाषा समझ रहे हो? यानी देखना यहां, अब लोग एन इक्वल टू वन, यानी इसी को के सेल बोलते हो, याद है? एन इक्वल टू टू, इसी को क्या बोलते हो? एल से। एन इक्वल टू थ्री, इसी को क्या बोलते हो? एम से। एन इक्वल टू फोर, इसी को क्या बोलते हो? एन से, है ना। एन इक्वल टू फाइव, इसी को बोलते हो ओ सेल, मत करो। एन के एल एम एन ओ, इस तरह से बढ़ते जाता है, काफी है, 5 तक हो गया, 26 है। बनाओ, पिक्चर बनाओ, जैसा जैसा कर रहे समझते जाओ, तुरंत हो जाएगा, ध्यान देते चलो। के एन वन, एन टू, एन थ्री, एन फोर, एन फाइव, ऐसे चलता है। ये छोटी एन है बाबू, छोटी एन, छोटी एन का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे चलते जाएगा। क्या बच्चा, ये तो बहुत बड़ा बात है, इसको आप इसमें लिख सकते हैं क्या? बड़ा कम दिख रहा है, नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे यार, ब्रेन एकदम रखो सीनियर जैसा, क्या ठीक है? आप बताओ, छोटी एन का मान समझ में आया?
छोटी एन किसको बोले होता, तुम लोग को हिम्मत दे रहे हैं, छोटी एन किसको बोले, हिम्मत बढ़ा रहा है ना। प्रिंसिपल पार्ट ऑफ नंबर फोर छोटी एन बोले, छोटी एन का परीक्षा किसने दिया, क्या चीज का आइडिया दे रहा है, सब चीज का आइडिया दे रहा है। यानी एन एम एन का मान क्या हो सकता है बताओ, वन से इंफिनिटी, बोलो बच्चा समझ पाया, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, छोटा छोटा बात जो कि गिराएगा आपको, चाय का गिरा देना, हल्का हल्का पद, बोलो एन का मान क्या हो सकता है, हो सकता है, क्लियर हो गया। अब अगर मेरा बच्चा तेज है तो एन अगर हमारा ठीक है, सुनते जाना, एन मेरा ठीक है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, एन मेरा ठीक है हम एनर्जी निकाल सकते हैं, एन मेरा ठीक है हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एन अच्छा होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, तो एन का मान क्या हो सकता है बताओ, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी, एन का मान कुछ भी होगा ना। एन एन क्या चीज का आइडिया दिया, सेल और भी एनर्जी लेवल, आगे कदम बढ़ाते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर में, बहुत जल्दी सिखा देंगे, मजा आ जाएगा। कौन सा सिखा रहे हैं आप, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल सीख जाओगे, कह दिए ना नंबर में कुछ नेगेटिविटी है, आई थिंक सीख जाओगे तुरंत, आ जाओ। इंट्रोड्यूस्ड बाय सॉमरफेल्ड, सॉमरफेल्ड ने इसका आइडिया, आ जाओ बाबू लोग। अब देखो क्या हुआ, एजीमुथल क्या है सर, समझाइए थोड़ा मन से, एजीमुथल को ही हम सब्सिडियरी बोले, आया इसी को सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बोले, इसी को एंगुलर क्वांटम नंबर बोले। देखो वही है, जो एजीमुथल है वही सब्सिडियरी है, वही एंगुलर है, अब अर्थ समझाएंगे तुमको मन लगेगा कभी, बाबू ध्यान देना, आ जाओ बाबू लोग, देखो यार बहुत प्यार से सिखाना चाह रहे हैं आप, ये ऑर्बिट है सर यार, बाबू लोग इट इज फर्स्ट ऑर्बिट, इट इज सेकेंड ऑर्बिट, इट इज थर्ड ऑर्बिट, अब फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट ऐसा है, बात समझना, बोल भैया फर्स्ट ऑर्बिट का अलग एनर्जी होगा ना, सेकेंड का अलग एनर्जी होगा ना, एनर्जी मतलब सुनना सुनना, एनर्जी मतलब सर उसका आकार ही अलग होगा सर, उसका रहन सहन अलग होगा सर, इसका आकार अलग होगा, रहन सहन अलग होगा सर, उसका आकार अलग होगा सर, रहन सहन अलग होगा सर, इलेक्ट्रॉन यहां भी है, इलेक्ट्रॉन यहां भी है, इलेक्ट्रॉन यहां भी है, क्या तीनों के इलेक्ट्रॉन में एनर्जी में अंतर होगा कि नहीं होगा, लैंग्वेज एंजॉय करना, अंतर तो आएगा ही सर, तो इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा होगा ना सर उसका एक आकार हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन के बादल का आकार हो गया होगा, दैट आकार इज कॉल्ड सबसेल, दैट आकार शेप इज कॉल्ड सबसेल, बोलो मेरे स्टूडेंट समझ पाया, आकार हुआ क्यों, एंगल के कारण, किस एंगल में वो रह रहा है उस एंगल के अनुसार उस पर आकार हो गया, जवाब देना मन लगाना सोचना भी खूब, मेरे हर एक शब्द पर ध्यान देना, अपना एनर्जी लेवल चेंज किया, एनर्जी लेवल चेंज किया आकार चेंज हो गया, तो अर्थ क्या हुआ कि सर पहले आपने सिखाया एनर्जी लेवल, बोलो बच्चा पहले क्या सिखाया, ये कौन बताया, देख लो हाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर का दिया हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है, उसने आइडिया दिया, यानी इसके मान ने आइडिया दिया कि सबका एनर्जी लेवल अलग अलग है, बोलो उसके बाद पता चला यहाँ यहाँ इसमें देखो, इसमें ये पता चल रहा है कि एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में, ध्यान देना, एक निश्चित ऑर्बिट में आकार अलग अलग हो सकता है,
है ना, ये डिपेंड करता है उसके एंगल पर, कितने एंगल से वो मूव कर रहा है। एंगल बदलेगा, आकार बदलेगा। बोलो, लैंग्वेज समझ पा रहे हो? तो अर्थ क्या हुआ देखना है, किस चीज का आइडिया ये दिया, बोलो बोलो, कौन से बोलो, सबसे, किस चीज का आइडिया दिया, इट गिव्स द आइडिया अबाउट सबसेल, सबसेल विदिन ए सेल, विदिन ए सेल। बताओ क्या लिखा हुआ है, सोच सोच के बताओ, क्या चीज का आइडिया दे दिया, बोलो, सबसेल विदिन ए सेल, अर्थ क्या हुआ, हर ऑर्बिट में, वेरी गुड, ऑर्बिट में, ऑर्बिट में आकार अलग होगा, ऑर्बिट में आकार अलग होगा, बोलो, क्या ऑर्बिट में आकार अलग होगा कि नहीं होगा? Yes, दिल से एक्सेप्ट करो कि ऑर्बिट अलग अलग होगा, आकार भी अलग अलग होगा, बोलो बच्चा, इलेक्ट्रॉन के बादल का आकार अलग होगा, बादल के आकार का क्या नाम, ये बोलो, हाँ मेहनत करते रहना, क्योंकि हम बहुत अच्छा अच्छा शब्द निकाल रहे हैं, क्लियर हुआ, सबसे विद इन ए सेल, ऑर्बिट सेल बने ऑर्बिट, यानी बच्चा बोलना, फॉर एनी एन एल हैज वैल्यू जीरो से एन माइनस वन, देखो क्या लिख दी, पढ़ो, पढ़ने का अंग्रेजी लिखने से ज्यादा दिमाग में लिखना, अंग्रेजी तो यही रह जाएगा, दिमाग तो बहुत दूर जाएगा, अंग्रेजी से ज्यादा दिमाग जोड़ दो, क्या लिखे पढ़ो, कोडिंग हो गया, कोडिंग, एनी एन, याद करो एन का मान क्या होता है, तुमको याद दिला, बोलो बोलो, एन का मान वन भी हो सकता है ना, एल का मान जीरो, क्योंकि जीरो से वन माइनस वन, ओके, ये वाला बात थोड़ा समझाइए, क्योंकि हम लोग सब अलग अलग लेवल का आदमी यहाँ बैठे हैं, याद करो ये संख्या रेखा है, याद आया, संख्या रेखा क्लास टू थ्री में पढ़े थे, क्लास टू थ्री में, सुना, दिमाग से स्केप कर गया होगा, संख्या रेखा नहीं याद है, yes, संख्या रेखा याद है, yes, आप सुनो, संख्या रेखा में देखो क्या लिखे, पढ़ो, फॉर एनी एन, एन मतलब ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के लिए सबसेल का मान होगा जीरो से ऑर्बिट माइनस वन, सुना, अब बोले यहाँ इट इज क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, सबसे का मान क्या आया, क्योंकि देखो यहाँ जीरो से वन माइनस वन, ये वन कहाँ से आया, फर्स्ट ऑर्बिट, सुना रे बच्चा, बोलो फर्स्ट ऑर्बिट का एन वन, वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो से जीरो यानी जीरो, यानी जीरो, बोलो n बराबर 1 तो l बराबर क्या आया, n बराबर 2, बोलेगा l बराबर, देखो यहाँ देखो यार, दो बोलो दो, सेकंड ऑर्बिट, l का मान होगा 0 से 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, सुन रहे हो, 2 माइनस 1 मतलब 1, 0 से 1 यानी 0 कॉमा 1, सुना बच्चा, yes, सुना बच्चा, ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, एन बराबर 3 तो एल बराबर, देखो ये थर्ड ऑर्बिट, बोलो थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट सुन रहे हैं, एल का मान 0 से 3 माइनस 1 2, 0 से 2 यानी 0 कॉमा 1 कॉमा 2, बोलो बच्चा समझ पा रहा है, yes, अगर n बराबर 4, खुल के बोलना सीखो, बोलो l बराबर, बोलो, समझ रहा है, 0 से 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मतलब 3, 0 से 3 यानी 0, 1, 2, 3, क्या दिमाग खुल रहा है, yes, एकदम सीख जाएगा, तुरंत सीख जाएगा, रुको ना, n बराबर 5, बोलो l बराबर, 5 माइनस 1, बोलो ठीक है ना, yes,
देन इज 0, कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4। क्या दिमाग खुला? यस सर। अभी रुक, दिमाग में वो चीज नहीं गया जो हम देना चाह रहे। रुको, ध्यान दे, ध्यान दे। बोलो मेरे स्टूडेंट जी, कोडिंग था, कोडिंग नहीं बताते तो कोडिंग ही रह जाता। ये अब डिकोड हो गया, खुल गया तेरे लिए। बोलो, किसी भी ऑर्बिट में सबसे एल का मान क्या होगा, पता चल। ऑर्बिट अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो एल का मान जीरो। ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट है, एल का मान जीरो। एल अगर हमारा एन हमारा 3 है तो एल का मान जीरो। एन अगर हमारा 4 है तो एल का मान जीरो। एन अगर 5 है तो एल का मान जीरो। एक बात सुनो 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 सुनो, फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल होता है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबसेल होता है, थर्ड ऑर्बिट में 3 सबसेल होता है, चार ऑर्बिट में 4 सबसेल होता है। यानी ये ऑर्बिट है सर, ये सबसेल है सर, समझ में आया? एन का मान क्या बताता है, एल का मान क्या बताता है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक ट्रिक मिला तुमको, ट्रिक क्या मिला देख, ट्रिक मिला और nth ऑर्बिट, nth मतलब समझा पहला, दूसरा nth, अंग्रेजी सीखो nth, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव फिफ्थ सिक्स्थ nth, क्लियर हो गया? nth ऑर्बिट में देयर इज n सबसे, बोलो ये समझ में आया? क्या लिखे समझ में आया? नहीं, इसका अर्थ निकालो क्या है। पहला ऑर्बिट में एक सबसेल है, दूसरा ऑर्बिट में 2 सबसेल है, तीसरा ऑर्बिट में 3 सबसेल है, चौथा ऑर्बिट में 4 सबसेल है, पांचवा ऑर्बिट में 5 सबसेल है, समझ में आया? यस सर। ट्रिक nth ऑर्बिट में n सबसेल, क्लियर है? यानी मेरा बच्चा सीखा, एग्जांपल ये सीख गया, फर्स्ट ऑर्बिट हैज 1 सबसेल, क्लियर हो गया यहां पर? इसी तरह से एक दो तो लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। सेकेंड ऑर्बिट है 2 सबसेल, यहां तक कोडिंग समझा कि नहीं? क्या कोडिंग खोल रहे हैं आज? एल हमारा 0 1 2 3 ऐसा कुछ भी आया है ना, जबरदस्ती बोल देते हैं 4, कहीं पूछता नहीं, लेकिन आईआईटी थोड़ा एडवांस काबिल होता है, जान के एक लपक के पूछ देता है कि देखते हैं ऑल इंडिया में ब्रिलियंट स्टूडेंट का क्या है, कोई लपका है, देखा कुछ है नहीं। अब इसका जैसे देखे ना, इसका कोडिंग कर रहे, देखो कोडिंग देख लो बच्चा, यही है एस, यही है पी, यही है डी, यही है एफ, यही है जी। जरूर केमिस्ट्री में एस पी डी कहीं सुना था? यस सर। देखो कोडिंग डिकोड हो गया, खुलने लगा। अब मजे लेना, अच्छा यहां तक आया, कोडिंग शुरू हो गया कि L0 मतलब क्या होता है, L1 मतलब क्या होता है, L2 मतलब क्या है, L3, L4 ये सब क्या है, समझ में? S, P, D, F, G, कोई पूछ देगा ये S क्या है जी? कहना इलेक्ट्रॉन का आकार है, कह देना सबसेल है, क्या बोलो एक नहीं? कोई पूछ देगा भैया P क्या है? कहना इलेक्ट्रॉन का आकार है, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा था एक आकार बना के था, दैट आकार इज कॉल्ड सबसेल, वही है ये सबसेल। यानी मेरे बच्चे ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, नींद में आया सोनू तो इलाज कर देंगे, इलाज ऐसा वैसा नहीं करेंगे, 4-5 दिन नींद नहीं आएगा ऐसा इलाज करेंगे। कोडिंग ऑफ सबसेल, किसका कोडिंग के समझ में आ गया ना? कोडिंग ऑफ सबसेल, कोडिंग कर दिए, देखा खुल गया वहां से, अरे ये तो एस पी डी एफ जी है, ठीक है। अब यहां से दिमाग खोले कि चलो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है ना, कि मतलब समझ गए, क्लियर? देखते चलना। तो मतलब यहां से हम निकालना चाहते हैं, ये जो S है, ये जो P है, ये जो D है, ये F है, ये G है, इसका आकार पहले कैसा होता है, देखना आकार, आकार जो होता है वो स्फेरिकल होता है, समझ ना, ये डंबबेल होता है, सब चीज क्लियर हो गया, ये डबल डंबबेल, डबल डंब बेल, एफ होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना, एंड मोर कॉम्प्लेक्स, सब जटिल होने जा रहा है ना,
यानी ये क्या है सर, ये बादल का गोलाकार चेहरा है, डमरू जैसा है, दो डमरू जैसा है, जटिल हो गया सर और जटिल हो गया सर। दैट इज, ये देखो यार पहले बादल को पहचानो, ये देखो इट इज बादल, याद आया बादल, हाफ बादल है, हाफ बादल, ये देखो एस 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 गोलाकार है, आधा गोला है, कल्पना करो नीचे भी आधा गोला है, बोलो कंप्लीट गोला हो जाएगा ना, एंड ये सॉलिड है, ठोस है, इस टाइप का देखो, यानी ये बादल है, इलेक्ट्रॉन का बादल, कल्पना करो, आज इलेक्ट्रॉन का बादल जो है ये न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे रहता है, देखना याद रखना, देख फील करो, यानी लैंग्वेज समझो कि यार क्या चक्कर है, मान लो कि ये न्यूक्लियस का सेंटर है, देखो तब क्लियर होगा, इट इज न्यूक्लियस का केंद्र, बोलो क्या फिगर समझ पा रहे हो ना, ये न्यूक्लियस का क्या बोलो, केंद्र, अब जब वो केंद्र है सर, वहां जब केंद्र है सर, तो केंद्र के पास एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, होता ना, केंद्र के पास क्या होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, ठीक है, तुरंत दिखा सर, इंटरेस्ट लेकर सिखाने का मन है, कॉन्सेप्ट जो आ रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आज बस रहा है, देखिए सर, सपोज ये परमाणु का मॉडल आप पढ़ा रहे हैं, तो परमाणु का जो मॉडल आप पढ़ा रहे हैं सर, उसमें ये जो है ये हमारा पहले दिख रहा है सर, इसको आपने एक्स बोला सर, इसको आपने वाई बोला सर, इसको आपने जेड बोला, बोलो ये क्या है, बोलो बाबू ये क्या है, बाबू ये क्या है, बाबू, और ये बादल देखिए हर जगह है सर, एक्स में भी ऐसा है, वाई में भी ऐसा है, जेड में भी ऐसा है, क्योंकि ये गोला है सर, बोलो मेरे सर, समझ में आ रहा है ना, अब ये गोला जो है ना सर, थोड़ा सा इसको ऊपर उठाइए ताकि समझ में आए, बाबू अलग ध्यान देना, बोलो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलो, ठीक है, और उसके चारों ओर ये बादल था, बोलो बादल था ना, उठा के थोड़ा सिखाने के लिए उठाया, आप बोलो न्यूक्लियस के चारों ओर ये बादल होगा ना भैया, सब सेल, बोलिए एस का शेप कैसा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, गोला बना किससे, इलेक्ट्रॉन से, ये गोला किसका है, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते ऐसा चेहरा बना लिया, बोलिए एस सब सेल क्लियर हुआ, ऐसा सेफ है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मन लगाए करना, अब कहेगा सर कि यहां से आगे बढ़िए सर, यहां से हमको डम्बबेल सर कहेंगे सर, देखो यहां इट इज डम्बबेल, डमरू लैंग्वेज देखना, ये डमरू डम्बबेल, डम्ब मने गूंगा, बेल मने घंटी, डमरू का कॉन्सेप्ट क्या है, गूंगा है लेकिन बजता खूब है, क्या डमरू बजते कभी देखे हो, डमरू इज गूंगा बट बजता खूब है, देखो एडजेक्टिव कैसा है, डम्ब बेल यानी डमरू, दैट इज डमरू, देखो डमरू का कॉन्सेप्ट समझना, पूरा एंजॉय करना, ये पी है, बोलो पी है, आपको कैसे, ये जो पी है सर, ये फिर उसी तरह से कि ये न्यूक्लियस है, बोले न्यूक्लियस है, तो इधर भी डमरू, यहां मन लगा के पढ़े केमिस्ट्री, यहां देखिए डमरू का एक लोब, आई डमरू का एक लोब, ये दो लोब हो गया, लोब छोर छोर लोब, बोलो डमरू में दो लोब होता है, समझ में आया, डमरू में कितना लोब होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर, आप कहोगे सर ये डमरू अभी फिलहाल किसमें है, एक्स में, तेरे लिए अभी किसमें है, ये एक्स, ये क्या है और ये क्या है, फिलहाल ये तेरे लिए किस में है, मानते हो, अब ये तेरे लिए किस में है, अब ये तेरे लिए किस में है, दिमाग खुला, ये विज्ञान, डमरू कहाँ कहाँ हो सकता है समझ में, दिमाग खुल रहा है ना, तो डमरू को आपने सर, ये डमरू को आपने जान के ऐसा दिखाया सर, पहले आपने डमरू को ऐसे दिखाया था कि बच्चा के दिमाग में आए एक्स क्या होता है, बोलो बच्चा अगर डमरू एक्स में है, बोलो डमरू एक्स में है तो डमरू कहाँ नहीं है, सही बोला, वाई जेड में नहीं है, बोलो बच्चा बोलो डमरू कहाँ है, कहाँ नहीं है, वाई जेड में नहीं है, तो वाई जेड नोड हो गया, नोड,
और x ऑर्बिटल हो गया, समझ में आया? यस सर। एंजॉय करो टॉपिक में। बोलो मेरा बच्चा, अभी डमरू कहाँ है? वाई में। कहाँ नहीं है? एक्स जेड नोड हो गया, y ऑर्बिटल हो गया, समझ में आया? यस सर। अभी हमारा बच्चा बोलेगा अब कहाँ है ये? कहाँ नहीं है? जहाँ नहीं है नोड, जहाँ है ऑर्बिटल। दिमाग खुला? यस सर। बच्चा जरूर मेरा डमरू बेल समझ गया होगा। कोडिंग है, कोडिंग का रहस्य है। कोई बच्चा बोल देगा एल जीरो, क्या क्या मन में आ जाएगा भाव? बोलो एल जीरो। बोला है चारों ओर है, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में है, ऐसा मजाल है। अगर ये अभी एक्स में है, कहाँ नहीं है? लेकिन बोला क्या था? बोला एक साथ चारों ओर था, बोलो ना। बोला का हिम्मत था कि एक्स में नहीं है तो वाई में नहीं है तो जेड में नहीं है, लेकिन इसका है। अगर ये कहाँ है अभी? कहा नहीं है? क्या गोला के साथ ऐसा था क्या? गोला के साथ क्या स्थिति था बताओ? हर जगह था। बोलो समझ में आया? दैट इज गोला, दैट इज एस। बोलो एस का आइडिया लगा कि नहीं लगा? एस स्फेरिकल है, हर जगह होता है, एक्स में भी होता है, वाई में भी होता है और जेड में। आप बताओ क्या एस डायरेक्शनल है कि हर डायरेक्शन में? उसको कहना वो डायरेक्शनल नहीं होता है, वो नॉन डायरेक्शनल है। क्यों बोले उसको नॉन डायरेक्शनल? हर जगह जो जो हम बोल रहे हैं यही है ऑब्जेक्टिव है। बोलो नॉन डायरेक्शनल कौन है? अब पी क्या डायरेक्शनल है? यस। कोई एक्स में है तो वाई जेड में नहीं है, वाई में है तो एक्स जेड में नहीं है, जेड में है एक्स वाई में। ये डायरेक्शनल है। बोल बच्चा समझा? अगला क्या डबल? ये क्या है देखो, डबल डबल एग्री डबल डबल देखो। आप समझाना, एक डबलू ये देखो, एट एक वन डबलू है, एट इज नेक्स्ट डबलू। बोलो ये वन डबलू है, ये नेक्स्ट डबलू है, यानी दो डबलू एक साथ है। बोलो तो दो डबलू एक साथ है, क्या बोलेंगे? तो बोलो डी का सेप कैसा हुआ? समझ में आया? सेट का डबल डंबेल। अब डबल डंबेल में बोलना या जवाब देना कि डबल डंबेल में जो है सर, अगर यहाँ है सर और यहाँ है सर, तो यहाँ नहीं है। बोलो देखो देखो, यहाँ यहाँ नहीं है। बोलो यहाँ नहीं है। बोलो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। समझ पाया? इतना इंटरेस्टिंग बात, अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, जहाँ नहीं है उसको नोड कहते हैं। बोलो और जहाँ है उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। अब बोलना है दिमाग लगाना, इसी जगह पर कहाँ कहाँ है? एक्स में है, जेड में है, यानी कोई ऐसा जगह जरूर है जहाँ वो नहीं है। अब हम बताएंगे, जादू बताएगा, तो टेंशन मत लो। क्या याद है? ठीक है। अगर मैं पूछ दूं, सपोज याद रखना, तो तैयार रहना, कहां है? शांति से। ये अभी कहां है? एक्स में है कि वाई में है कि जेड में है? तो उसके बीच में। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कहां है ये? देखो ना घुमाएगा। बोलो ऐसे बोलते कहता ये एक्स में आ, ये क्या है? ऐसे किए तो एक्स और वाई के बीच में, समझ में आया ना? ऐसा कहाँ कहाँ ये हो सकता है, मैं भी बता देंगे तुरंत। क्या दिमाग खुल रहा है? तो ये बताओ ये कौन है, बताओ ये कौन है? ये यानी कौन सबसे बी सबसे क्लियर कॉन्सेप्ट? आप जरा सगर करना, इसी जगह पर हम आपको समझा रहे हैं, बात पर से ध्यान देते रहो। सूरत सिंह जाएगा, आज दिन साल हो गया। बबुआ इसमें जो है पहले समाज पूरा बढ़िया समझा दो। ये देखो एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, ये कौन है? ये डबल डंबेल डी सबसेल। बोलो पूछेगा डी सबसेल में कितना लोग? अच्छा क्लियर हो गया? पी में कोई पूछ देता, पी में कोई पूछ देता कितना लोग? पी का मैं दो लोग समझ गया ना। डी में कितना लोग? एफ में आठ लोग होता है, इसलिए वो जटिल है, इसलिए उसको बनाने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे करके आपको समझाए सेट करने। सात हो गया, एक और आठ, बोलिए इतना जटिल होता है।
ये जटिल का नाम, ये जो जटिल है, ये 8 लोग हमें बनाए। बोलिए कितना लोग दिखाए हैं? 8 लोग जो बनाए, देखा 8 लोग दिख रहा है ना, देख रहे काफी जटिल हो गया सर। तो किताब में जब भी बनेगा तो इसी तरह से जगह भर लेगा सर, जगह भरेगा। बोलो बुआ, 8 लोग है कि नहीं है? 8 लोग वाला कौन सा सेल? ठीक है ना। इसी तरह से 16 लोग हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा जी? मोर कॉम्प्लेक्स। क्या दिमाग खुला? Yes, तो हमको उतना दूर तक नहीं पूछता है, लेकिन देखो माइंड में आइडिया दी। आप कहोगे सर ये एस पी डी एफ जी जो ये लिखा हुआ है सर, एक्चुअली क्या है उसको आज राज बोलिए। पहले दिल लगा, कोडिंग था सर। अगर आज ये कोडिंग नहीं खोलते तो समझ में कुछ नहीं आता। कोडिंग खुल गया, एल भी क्या है? सबसेल। तो सबसेल का मान क्या क्या हो सकता है? जीरो मतलब, वन मतलब, सब क्लियर है? आकार लीजिए, है ना। अब जरा सा गौर करना, इसका एनर्जी जब घूमता है ना, ये एस से ज्यादा एनर्जी पी में होता है, उससे ज्यादा एनर्जी डी में, उससे ज्यादा एनर्जी एफ, उससे ज्यादा एनर्जी जी। ओके, ये क्या लिखे सर? थोड़ा तो समझाइए। बिल्कुल हम समझे, ये एनर्जी ऑफ सब सेल क्या लिखे मतलब? अब देखना है, ओके, एनर्जी ऑफ सब सेल को थोड़ा सा आइडिया आपको दीजिए। एस से ज्यादा पी, पी से ज्यादा डी, डी से ज्यादा एफ, एफ से ज्यादा ई। अगर ये घूम रहा है, अगर ये घूम रहा है, घूम रहा है तो ये एक जैसा घूम रहा है। बोलो कैसा घूम रहा है ये? एक जैसा घूम रहा है, हर तरफ एक जैसा घूम रहा है, क्योंकि ये गोला है, गोला है। तो गोला में संभावना इलेक्ट्रॉन का किधर है? हर जगह है। गोला में इलेक्ट्रॉन का संभावना किधर है? क्या किसी एक एंगल पर अधिक है या किसी एक एंगल पर कम है? हर एंगल पर सेम है। बोलो हर एंगल पर क्या है? कैसे जाएंगे? स्फेरिकल है। कैसे आएंगे? स्फेरिकल है, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना किस एंगल में ज्यादा है? हर एंगल में ज्यादा है, हर एंगल में एक समान है। समझ में आया? आप पूछते हैं, यहाँ से पूछ लिए, यहाँ पूछते हैं, जवाब देना। अगर हम तुमसे पी में जाकर एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ, पी में जाकर जब क्वेश्चन आपसे उठाए, ध्यान देना, जैसे हम यहां से उठा लिए, सपोज लैंग्वेज पी में तुमसे पूछते हैं यहां इलेक्ट्रॉन की संभावना किधर है? एक्स में है, वाई में है, जेड में है, एक्स में है, वाई में है, जेड में है, एक्स में है, वाई में है, जेड में, क्या ठीक है ना? यानी कहां कहां ये? एक्स में है, वाई में है, जेड में, ठीक है? एक्स में है, वाई में है, जेड में, क्या दिख रहा है ना? लैंग्वेज पर ध्यान देना। अब ये कहां है? कहां है? कहां है? एक्स वाई जेड दिख रहा है ना? इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन बटने लगा सर। एक्स में है, वाई में है, जेड में है सर। इसमें संभावना एक जैसा कभी नहीं होगा सर, कहीं है कहीं नहीं है, कहीं है कहीं नहीं। लेकिन एस में बड़ा खासियत दिखा अभी, एस कैसा था? चारों तरफ एक जैसा था, बोलो ना? लेकिन यहाँ एंगुलर हो गया, ये पूरा डायरेक्शनल हो गया है ना। अब ध्यान देना, डी में कहेंगे इसी हाल में रहेगा, तो जो जितना ज्यादा घूमता है उसमें उतना अधिक एनर्जी होता है, ठीक है? तो बताओ एस एक समान था, बोलो एस चारों तरफ कैसा था? एक समान। सबसे कम एनर्जी। पी क्या करने लगा? तीन तरफ घूमने लगा। पी क्या करने लगा? तीन तरफ घूमने लगा। पी क्या करने लगा? तीन तरफ घूमने, एनर्जी बढ़ गई। और इसी तरह डी 5 तरह से घूमेगा, एफ 7 तरह से घूमेगा, वो और घूमेगा बहुत ज्यादा और डिटेल, वो और बहुत तेजी से घूमने लगेगा, मतलब पूरा डिटेल होने लगेगा। लैंग्वेज समझना मेरे स्टूडेंट, बहुत मस्त चीज समझा रहे हैं तुमको।
कि जो जितना अधिक तरीके से घूमेगा उसमें उतना अधिक एनर्जी होगा। समझ में आया? Yes, sir. तो बताओ सबसे कम एनर्जी किसमें? Yes. सबसे ज्यादा एनर्जी? यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. सतर्क रहना, पूरा सतर्क रहना होगा। कारण क्या है? अभी ऑब्जेक्टिव निकालेंगे तो मेरा बच्चा लोग को पहले ये जो समझाया SPDFG ध्यान देना SPDFG स्पेरिकल डंबेल डबल डंबेल कॉम्प्लेक्स मोर कॉम्प्लेक्स ये इशारा पूरा जान के इतना देर समझाए कि तुमको ये समझ में आए। क्या एल्यूमिनियम क्वांटम नंबर समझ में आया? बता एल्यूमिनियम क्वांटम नंबर किस चीज का इशारा किया? ऑब्जेक्टिव पकड़ा है। किसका इशारा किया? सबसेल में आकार होता है? Yes, होता है। उसमें नॉन डायरेक्शनल कौन है और डायरेक्शनल कौन है? एस नॉन डायरेक्शनल है, बाकी सब डायरेक्शनल। क्लियर हो गया यहाँ तक? yes, एनर्जी किसका ज्यादा किसका कम पता चल गया? yes, जो जितना अधिक घूमेगा उतना ज्यादा एनर्जी रखेगा। यहाँ तक समझ में तुमको आ रहा है? एक बार आप बोलिए, मजा आएगा। भाई लोग बोलना, फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा सबसेल है? yes, सब बच्चा का मुंह से ये नर्वस सिस्टम जुड़ के एक उत्तर आना चाहिए। फर्स्ट यहाँ 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 अब वहां कलम चला तो ये वाला कहां से आएगा उत्तर? केमिस्ट्री कैसे सीखिएगा? बोलिए फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा सबसेल है? yes. पता चला? yes, sir. सोचो, डिसिप्लिन देखो। सेकेंड ऑर्बिट में कौन सा सबसेल है? एस है और पी है। पता चला? yes, sir. डिसिप्लिन देखना, तब यार यार तो पूरा डिसिप्लिन। थर्ड ऑर्बिट में कौन है? एस है, पी है, डी। डिसिप्लिन बहुत है यहाँ। फोर्थ ऑर्बिट में क्या है? पता चला? फिफ्थ ऑर्बिट में क्या है? मजा आएगा। क्या हुआ सो सुनो, देखना क्या हुआ है। यानी ये हुआ यहाँ कि फर्स्ट ऑर्बिट में 1s, सेकेंड ऑर्बिट में 2s है और 2b है। पता चला? थर्ड ऑर्बिट में 3s है, 3d है, 3d है। मजा आ रहा है? फोर्थ ऑर्बिट में 4s है, 4s है, 4b है, 4d है, 4f है। फिफ्थ ऑर्बिट में 5d है, 5d है, 5f है, 5g। मैं पूछता हूँ मेरे बच्चे, यहाँ मजा आएगा डिसिप्लिन में, क्या इस पी को फर्स्ट ऑर्बिट में रख दे? क्यों? अब तुरंत तेरे मुंह से निकलेगा कि डिसिप्लिन इसको कहते हैं। क्या इस पी को फर्स्ट ऑर्बिट में रख दे? क्या 2p को फर्स्ट ऑर्बिट में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में n1 होता है, n1 होता है, l0 तो ऐसे ही होगा ना, और पी कहां से आएगा? समझ में आया? अरे वन में कभी पी कोई नहीं लिख सकता है। दिमाग खुला। अब बताओ सेकेंड ऑर्बिट में डी लिख देते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? वहां एस होगा और पी होगा, क्योंकि एल जीरो और वन है, यानी एस और पी है, वहां डी नहीं हो सकता है। ताकत है ना, कौन आदमी कितना ताकत वाला है, कहां बैठेगा? इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है ना तो बादल है, बादल में आकार है, आकार भी कहां रहेगा उसका? बिग सेकंड सेट। बोलो मेरे सर, क्या मजा आया कि डी वाला यहां रहेगा? मतलब सोचने लायक चीज है। अब बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा सबसेल होगा? ना वहां पी होगा, ना डी होगा, ना एफ होगा, ना जी होगा। पता चला? सेकेंड ऑर्बिट में कौन कौन हो सकता है? एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है। थर्ड में कौन हो सकता है? आप समझना। मान लिया जाए एस को मैंने गरीब बोला, तो गरीब क्या सिर्फ बिहार में ही होगा कि मुंबई में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, मून पर भी जाएगा, तो वहां भी कोई गरीब हो रहा है। लैंग्वेज समझ में आया? ऐसा मैंने इसमें आभास कराया, समझो। बोलो एस कहाँ हो सकता है? कहीं भी हो सकता है। एस कहाँ हो सकता है? पी कहाँ हो सकता है? सेकेंड से फर्स्ट में नहीं हो सकता। क्या समझ में आया? अर्थ समझ में आना चाहिए। बताओ तो ये एस कहाँ हो सकता है? कहीं भी हो सकता है। पी कहाँ होगा? डी कहाँ होगा? एफ कहाँ होगा? बहुत बड़ा चीज सीख लिया, सबसेल का डिसिप्लिन सीख लिया, कौन कहाँ होगा।
राज खुल रहा है ना? Yes, sir. बहुत मजा आता है टॉपिक में, देखते चलो। तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। Introduced by Lenzing. Lenzing वैज्ञानिक ने क्या बताया? आइए सीखो। जो बताया बहुत मस्त सीन बताया, सुनिए। सब भाई लोग बोलिए, सब सेल क्या था बोलिए? सेट, सब सही समझा। सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का बादल, बोलो। इलेक्ट्रॉन के बादल का जो सेट है उसी को सब सेल बोलते। क्या भाई ठीक है? Yes, सब सेल समझ में आ गया है। सुन ले, अब सब सेल कितना तिरकेगा, सुन। इधर तिरकेगा, इधर तिरकेगा, इधर तिरकेगा, जिधर जिधर तिरकेगा। इट इज कॉल ओरिएंटेशन। इट इज कॉल ओरिएंटेशन। इट इज कॉल ऑर्बिटल। सुना बच्चा? Yes, मस्त बात है। सुनो, सबसेल, सबसेल तो एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, सबसेल हो गया सर। तो एस कितना थिरकेगा? इट इज ओरिएंटेशन। माने सबसेल कितने तरह से थिरक सकता है? इट इज कॉल ओरिएंटेशन। इट इज कॉल ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर से धीरे से बच्चा जैसा, कोई भी सबसेल कितने तरह से ओरिएंट कर सकता है इसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। सुना? Yes, इसका आइडिया कौन दे रहा है बोलो? यानी वैज्ञानिक का नाम लेंडे एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इशारा किया कि कोई भी सबसेल कितने तरह से ओरिएंट करेगा। जितने तरह से ओरिएंट करेगा वही वही ना इलेक्ट्रॉन होगा। yes, और जितने तरह से वो घूमेगा वही वही इलेक्ट्रॉन होगा, उसे ही ऑर्बिटल कहेंगे। समझ में आया? yes, बताओ, सबसे जितने तरह से ओरिएंट करेगा उसे ही क्या कहेंगे? बोलो, समझ पा रहे हो ना? yes. कौन सबसेल कितना तरह से ओरिएंट करेगा वही वही ना ऑर्बिटल होगा। yes. तो पूछेंगे एस का ऑर्बिटल कैसा होगा? बोला था क्योंकि वो एक ही जगह है, क्योंकि उसका डायरेक्शन से ज्यादा मतलब है नहीं। बोलो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? yes, बताओ, एस सब यानी कोई भी सबसेल जितना तरह से घूमेगा टहलेगा, जितना तरह से ओरिएंट करेगा, इसी क्षेत्र को ऑर्बिटल कहते हैं। बोलो, समझ में आया? yes, और उसी चीज का आइडिया ये देने आ रहा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? yes, कौन घूमेगा टहलेगा सबसे? yes, कौन घूमेगा टहलेगा? yes, जहां जहां घूमेगा उसे क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। कौन घूमेगा सबसे? किसका नाम था? आकार का। आकार कहां से आया था? ऑर्बिट से। याद आया? सबसे कहां कहां घूमेगा उसे क्या बोलोगे? सही बोल रहे हो, तुम मेरे मुंह से निकलवा रहे हैं, तुम समझा के नहीं। सबसे जहां जहां घूमेगा उसे क्या कहोगे? उसी का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बोलो, समझ में आया? और सबसे का नाम कौन सा क्वांटम नंबर है? ये कौन सा है? एल। एल कौन है? एल क्या पढ़ रहे? एल किस चीज का आइडिया दिया? एन किसका आइडिया दिया? एन किसका आइडिया दिया? एन 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 बाका का वो 60 किलोमीटर दूर का है यहाँ से, कोई यहाँ से 200 किलोमीटर दूर का है, कोई यहाँ से 300 किलोमीटर दूर का है। ए मेरे बाबू, तो 60 किलोमीटर दूर भी एक एनर्जी है ना? 200 किलोमीटर दूर में भी एक एनर्जी है, 300 किलोमीटर दूर में भी एक एनर्जी है। अब कोई मान लो भागलपुर का ही है तो 1 किलोमीटर में भी एनर्जी है, तो 1 किलोमीटर में भी एनर्जी है, 60 किलोमीटर में भी एनर्जी है, 200 किलोमीटर में भी एनर्जी है, 300 किलोमीटर में भी एनर्जी है। बोलो, समझ पा रहे हो ना? एनर्जी है सर, तब तो वो यहाँ आके लग गया कि हमको करना है, दिखाना है। एनर्जी नहीं रहता तो क्यों लगता सर? आप बताओ, एनर्जी है कि नहीं है? yes, अब वो कितना तरह से ओरिएंट कर रहा है,
जो जितना तरह से ओरिएंट करेगा उसका नाम ऑर्बिटल होगा। बोलो समझ पा रहे हो? Yes, तो बोलो एस कैसा ओरिएंट करेगा, पी कैसा करेगा, हम सिखाएंगे, जा रहे सिखाने। पहले ओरिएंटेशन समझ में आया? पहले एक किलोमीटर समझ में आया? 60 किलोमीटर समझ में आया? 1 किलोमीटर इन एन, 60 किलोमीटर इन एन, 200 किलोमीटर इन एन, 300 किलोमीटर इन एन। बोलो समझ में आया? अब इस एन में कौन सा एल है, इस एन में कौन सा एल है, इस एन में कौन सा एल है? बोलो यहाँ है ओनली एस है, यहाँ है एस और पी है, यहाँ है एस पी डी एल, यहाँ है एस पी डी एल। समझ में आया? ये तो चार है पढ़ाना तुमको, हर जगह सबसेल है। बोलो सबसेल जहां जहां घूम पाएगा उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। वही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दिमाग खुल रहा है ना? हम तो खोल ही लेंगे तुम्हारा, एकदम खोल। तो बताओ ये किस चीज का आइडिया दिया? बताओ, इट गिव्स द आइडिया अबाउट ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल, ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल। ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल, एक सबसेल का क्या ऑर्बिटल हो सकता है उसका आइडिया ये दे दिया। ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ रहा है ना? एकदम बढ़िया से सिखाया जा रहा है। ये ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल, अब पिछला वाला कौन सी आइडिया दिया था? सबसेल। और उससे पिछला वाला मजा आ रहा है, ऐसे ही सीखना ठीक है ना? अब ऑर्बिटल का आइडिया देने जा रहा है, देखते चलना। अब ठीक है सर, ऑर्बिटल कहते किसको है सर? ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशंस, ऑरियंटेशंस ऑफ ए सबसेल। कोई सबसेल कितना तरह से घूम सकेगा, कोई सबसेल कितना तरह से घूम सकेगा, इसे ही ऑर्बिटल कहते हैं। जहां जहां घूमेगा वहीं वहीं उसकी संभावना होगी। बोलो बच्चा, जहां जहां घूमेगा वहीं वहीं उसकी संभावना होगी सर। संभावना को ही ऑर्बिटल कहते हैं सर। याद आया मेरा बच्चा? एक सबसेल है सर, वो कहां कहां घूम सकता है? जहां जहां घूम सकेगा वहीं वहीं उसकी संभावना होगी, उसे ही तो ऑर्बिटल कहेंगे। कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? एक सबसेल है, कहां कहां घूम सकता है? कहेंगे यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, कहेंगे वहीं वहीं ऑर्बिटल होगा। सुना बच्चा? तो पूछेगा कोई ऑर्बिटल क्या है, इसका क्या अर्थ हुआ? जहां जहां घूम सकता है वहीं वहीं उसका ऑर्बिटल होगा। सुना बच्चा? जहां जहां घूम सकता है वहीं वहीं ऑर्बिटल। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ठीक है? अब जरा गौर करो, ठीक है यहां तक आके रूल देखो। For any L, for any L मतलब क्या हुआ? अच्छा पूछते हैं, दूसरे पूछते हैं तो दिमाग खुलता है, इसका अर्थ क्या हुआ? किसी भी सबसेल के लिए, किसी भी M has value minus L through zero to plus L. For any L, M has value minus L through 0 to plus L. क्या लिखे पड़ोस? M आराम से सीखना है। हाँ मेहनत करें, काम ही करें। किसी भी सबसेल के लिए ऑर्बिटल कौन है? भूलेगा तो पढ़ाएंगे। एम एम, तुम लोग बच्चे ही हो, अभी सीनियर काम हो जाएगा।
कौन है ये? एम को क्या बोले? ऑर्बिटल। तुम कंफ्यूज कर रहे हो। एम किस चीज का आइडिया दे रहा है? ऑर्बिटल किसको कहते हैं? जहां जहां वो घूमेगा उसको ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल का आइडिया किसने दिया? एम ने किसका नाम है? जब तक इतना सीनियर नहीं बनेगा तो ऐसी तरह लड़ा खाएगा। बोलो कि ऑर्बिटल का सिंबल कौन है? एम है। ऑर्बिटल किसको कहते हैं? पकड़ो, वही चीज सिखा रहे हैं। अब बोलो इस बात को, बोलो बढ़िया से, किसी भी सबसेल के लिए ऑर्बिटल का मान माइनस एल से जीरो होते हुए प्लस माइनस एल से माइनस एल चले जीरो होते हुए कहा जाना है? जाना है ना? और ये क्या है सर? ये है क्या सर? दिखाइए। देखो ना, ये जीरो है, ये माइनस वन है, माइनस टू है, ये माइनस थ्री है। सुनते जाना, ये माइनस फोर है, इसलिए ये प्लस वन है, ये प्लस टू है, ये प्लस थ्री है, प्लस फोर है। अपना समझना, तुरंत समझ जाएगा, समझना देरी नहीं लगता। बोल गया एल का मान सबसे पहला क्या लिखा है? दोनों का दिमाग देखते हैं। एल का सबसे शुरुआती मान क्या हो? जीरो, यानी एस सबसे। याद आया? जब पूछे ना अंदर झकझोरो, हमको बोलना है एल का सबसे शुरुआती मान जीरो। पता चला? यस सर। एल का सबसे शुरुआती मान जीरो। एल का एल कैटलॉग के बच्चे है इसलिए परेशान होते हैं, बच्चे है। एल का सबसे शुरुआती मान जीरो। सबसे अधिकतम मान फोर। अब क्लियर हुआ? Yes, L का मान समझ में आ गया ना? Yes, L जीरो तो कौन सबसे? वन तो कौन सबसे? क्लियर है ना? Yes, यानी वही L समझा रहे हैं। बोलो L जीरो। तो L जीरो बोलना है सब लोग। L जीरो मतलब M का मान होगा माइनस जीरो से जीरो से प्लस जीरो, यानी सिर्फ जीरो। सुना? क्या सुना बताओ, सोचो। पढ़ने भरने रहने दो, बोर्ड पर नहीं रहने दो, दिमाग में पूछो कि क्या ये है। क्या एस सबसे है? कितने तरीके से होगा? एक तरह से। इट इज कॉल्ड एक तरह का ऑरिएंटेशन। हमको समझाने दो, एक तरीके का ऑरिएंटेशन। देखो कितना सिंपल चाहते हैं पढ़ाना तुमको। मनी एक ही तरह से हमेशा घूमेगा। याद करो बोले थे गरीब है तो रूम में पैक रहेगा। सुना? बोलो एस सबसे कितने तरीके से घूमेगा? यानी इस जीरो को जीरो गणित देखना मतलब बोलना ये एक वैल्यू है। बोलो वन वैल्यू है कि नहीं है? एस सब सेल हमेशा एक तरीके से ओरिएंट करेगा, यानी हर जगह एक जैसा दिखेगा, हर जगह एक जैसा दिखेगा। कौन? यानी एस सब सेल में एक ओरिएंटेशन होता है। समझ में आया? तो हर जगह एक जैसा घूमेगा। समझ में आया? हर जगह एक जैसा घूमेगा। ये बात समझ में आया? वो कहीं किसी दिशा से बदलने वाला नहीं। कोई पार्टी मना रहा है तो वो नहीं जाएगा, कोई खूब धूमधाम कर रहा है वो नहीं जाएगा, कोई खूब हैप्पी बर्थडे कर रहा है वो नहीं जाएगा, कोई कुछ एकदम लग्जरियस करे वो नहीं जाएगा। अब समझ में आया? क्योंकि जान रहा है कि हम पुअर हैं, हमको भी पढ़ना है। और जिसके अंदर में ये विवेक जग गया बहुत तरक्की करता है। अब समझ में आया कि एस क्या करेगा? बताओ, एस सबसे एक तरह से घूमेगा, एक तरीके से ओरिएंट करेगा। समझ में आया? यानी एस सबसे का एक ऑर्बिटल होता है। पता चल गया? पता चला? तो शुद्ध भाषा में पढ़ा रहे ताकि क्लियर किसी को भी समझ में आए। बोलो एस सबसे कितने तरह से घूमेगा? यानी इस जीरो को जीरो नहीं समझना, जीरो इज ए वैल्यू, जीरो इज ए कोडिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलो एस सबसे कितने तरह से घूमेगा? क्लियर हो गया ना? सुनते रहना क्या क्या बोलते हैं। सुनो, एस सबसे हैज वन ऑर्बिटल, यानी हर हमेशा एक तरह से घूमेगा। दैट इज एस सबसे ओरिएंट्स इन वनली वन मैनर।
एक ही तरीके से घूमेगा. इट मीन्स एस सबसेल हैज ऑर्बिटल्स नॉन डायरेक्शनल. बोलो एस सबसेल का जो ऑर्बिटल होता है वो नॉन डायरेक्शनल. कैसे पता चला बताओ? इसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से. बोलो समझ में आया? एक जैसा घूमते रहेगा. ऐसा विद्यार्थी जो है ना वो बहुत आगे जाता है, बहुत मेहनत करता है. जो कहता है हमको दुनिया के चकाचौंध से कोई मतलब नहीं है, हमें अपना ताकत दिखाना है, ये बहुत बड़ा तरक्की करने वाला लक्षण है. देख लो एस का लक्षण कैसा है. कहता कुछ भी हो जाए हम एक जैसे चलते हैं. बोल भैया यार समझ में आया? तो मेहनत करेंगे फल मीठा होगा, तुम भी खुश रहोगे, हम सीख रहे. बोलो एल जीरो तो एम जीरो. समझ में आया? कहीं होता है कि पढ़ाते पढ़ाते तुम भटक जाते हो कि पढ़ा क्या है सर, पहले लिख लो तब फिर से समझ. बोलो बच्चा यहाँ तक ठीक है? बोलो यहाँ तक क्या दिमाग खुला बता समझा. एस सक्सेल क्या करेगा? एक तरह सुनो आप बोलना तो सर एल जीरो जब आप सिखा सकते हैं तो एल वन कैसे नहीं सिखाइएगा? बोलो बोलो बच्चा होगा कि नहीं होगा? बोलो एल वन. सब बच्चा यहाँ बोलो, यहाँ देखो कॉपी में देखो, नहीं कुछ देगा यहाँ देखो सब यहाँ तक खाली उतारे बैठे. एल क्या है? क्या देखो एल वन है. एल वन एम का मान प्लस वन से जीरो होते हुए प्लस वन माइनस वन कॉमन जीरो. सुनो एल अगर वन है एम माइनस वन जीरो प्लस वन. तीन तरह से घूमेगा. पी एक्स पी वाई पी जेड. समझ में आया? पी एक्स पी वाई पी जेड. क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि एल वन मतलब कौन सा सेल? तुम्हारा आदत इतना खराब है ना, इसलिए कहते हैं महा जूनियर है, एक नंबर गंदा आदमी है. एल वन कौन है? तो कितना गंदा कौन सा आवाज है? एल वन वन. अरे गंदे एल जीरो तो क्या है, एल वन तो क्या है? तो मुंह से आवाज निकालो ना गूंगा सर, डंब बेल हो गया गंदे लोग. क्या एल वन समझ में आया? बोलो एल वन कौन सा सबसे तो बोलना सीखो. यहाँ समझा रहे हैं यहाँ एल वन. एल वन हो गया कौन सा सबसे हो गया? एम का मान जीरो प्लस माइनस वन जीरो प्लस वन. तो माइनस वन जीरो प्लस वन कितना मान है? तीन मान है ना. यानी पी सबसे मान लो ये वन है, ये तीन जो मान आया, यानी P सबसे है थ्री ऑर्बिटल. सुन रहे हो? Yes, sir. P सबसे और yes, in three direction. समझ में आया? Yes, sir. It means P सबसे है थ्री ऑर्बिटल. क्या बोलो? थ्री ऑर्बिटल. समझ में आ रहा है? बोलो पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल? समझ में आ रहा है कि नहीं? yes, ये बात एल बराबर वन करते हैं. इफ एल बराबर वन, इफ एल बराबर वन. विश्वास नहीं होता है ना कि तुम सही लिखोगे, दूसरे का कॉपी का देखिए.
कहते हैं ना भागलपुर का पढ़ाई का स्तर से हम नाराज हैं, दूसरे का तो क्या लिख रहा है? अबे जो हम बोल रहे हो सब लिख रहा है। जिस दिन ये आ गया समझना इंजीनियरिंग और मेडिकल के लायक बच्चा बन रहा है ना, कोई लायक नहीं है, झूठ का इंटर का ठप्पा मार देगा। सुनो यार, बोलो इफ एल बराबर कौन सा सबसेल, तो एम का मान दिमाग खुलता है ना, खुलेगा खुलेगा भरोसा रखो, ठीक है ना। यानी पी सबसेल लिखो हैज थ्री और वाइटल्स, पी सबसेल है थ्री और That is, P subcell orients in three manners, it means P subcell has orbitals directional, क्या P का orbital directional है कि नहीं है? Yes, P subcell का जो orbitals है वो कैसा है? Directional, यानी सोचने लायक चीज है कि पी का डायरेक्शनल है। अब जरा सोचना, तीन तरफ चल रहा है, यही तीन है पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, बताओ ये पी एक्स पी वाई पी जेड किसका ऑर्बिटल है? पी सबसेल का। किसका ऑर्बिटल है? पी सबसेल का। और समझ गया, आर थ्री ऑर्बिटल्स ऑफ P subcell क्या दिमाग खुला? Yes, अब यहां सोचो, मन लगाओ कि ये तो अलग सिंपल बात है सर, वही थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं बच्चों के लिए, तो बात तो सिंपल। तो Px, Py, Pz तीन ऑर्बिटल है P subcell का, ठीक है। अब बता रहे हैं L1 हो गया, M का मान ये हो गया, बताना L0 की है, आप बताओ सब बच्चा बोलेगा L बराबर 2 कौन सा सबसेल? B सबसेल, नहीं आवाज आया मुंह से लगेगा सबसेल, L बराबर 2 कौन सबसेल? D, आ गया D सबसेल, yes, L बराबर 2 वो M का मान हो प्लस, सुनो सुनो सुनो, माइनस 2 पांच तरीके से, पांच तरीके से सुना, yes, यानी डी पांच तरीके से ओरिएंट करेगा, सुनो डी सबसे पांच तरीके से ओरिएंट करेगा, समझ में आया? सोचो ज्यादा ताकत है उसमें, ज्यादा ऊर्जा है, पांच तरीके से घूम सकता है डबल डंबल, दिमाग खुल रहा है ना? यानी यहां देखो L बराबर 2, यानी L बराबर 0 पढ़ाए, L बराबर 1 पढ़ाए, अब क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ, इफ L बराबर 2, L बराबर 2 है यानी D सबसेल है, तो M बराबर माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2, दिक्कत ना हो रहा है, धीरे धीरे सीख रहे हो है ना आप, तो डी सबसेल हैज फाइव ऑर्बिटल्स, सोचो पांच ऑर्बिटल इसको मिला, देखो पांच तरह से उसकी संभावना दिखा सकते हैं, दैट इज डी सबसेल orients
इन, फाइव मैनर्स, पांच तरीके से घूम सकते। यानी एल बनाना टू, यानी डी सबसेल, डी सबसेल पांच तरीके से घूम सकता है। इसी को कहते हैं दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। पांच नाम लिखे पढ़ो, क्या क्या नाम पांच लिखे पढ़ो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। पांच अलग अलग ऑर्बिटल का नाम है। आर फाइव डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबसेल। बोल बच्चा क्या लिखे समझ में आया, क्या लिखे बताओ। पांच नाम कौन कौन सा, पांच नाम ये पांचों किसका नाम है, बोलो बोलना सीखो, किसका नाम है, बादल का नाम, याद आया, ऑर्बिटल का नाम। यानी डी सबसेल कहां कहां नाचेगा, कहां कहां घूमेगा, उसका उस जगह का नाम है ऑर्बिटल। तो डी सबसेल कितने तरह से घूमेगा, क्योंकि एल टू है तो एम पांच है। बोलो दिमाग खुल रहा है, सोचने लायक चीज है, तुम्हें बताएगा। लिखा सबसे लिखा, बोलो अब जो है वो सिर्फ जानना है फॉर्मेलिटी, अब कुछ नहीं है, अब फॉर्मेलिटी है। बता एक मिनट बता, एल बराबर तीन, एम का मान माइनस तीन माइनस दो माइनस तीन जीरो प्लस एक प्लस दो प्लस तीन, समझ आ गया है। कितना मान, सात मान, सुना रे बच्चा, यानी एफ सबसेल को सात और वाइटल होगा। बोलो और इस सबका नाम नहीं जानना है, बस नाम वहीं तक जानना था। बोलो यहाँ डायरेक्ट जान लो, बोलो एफ सब सेल में कितना ऑर्बिटल, सेवन ऑर्बिटल, यानी सात तरीके से घूमेगा। बोलो क्लियर हुआ। अगर कोई बोलेगा एफ एल बराबर चार, एम का मान समझ रहे, माइनस चार माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो प्लस एक प्लस दो प्लस तीन प्लस नौ तरह से, याद आया नौ, नहीं आया नौ, नौ है। यानी जी सबसे, जी सबसे हैज नाइन ऑर्बिटल्स। नाइन ऑर्बिटल्स ठीक है, जरा सा ध्यान। यानी ये सब क्या है, डायरेक्ट बस जीके जैसा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए करना, और सब नाम हमने पूछा, क्लियर हो गया। यानी एफ सबसेल में कितना ऑर्बिटल, एफ सबसेल कितने तरीके से घूमेगा, जी सबसेल कितने तरीके से घूमेगा, बस जीके जैसा और कुछ नहीं। सब प्रेशर लेना, प्रेशर वहां लेना है जहां हमने बताया। अब यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ देखो क्या है, बोलो अब जवाब देना। एक ट्रिक देने का मन किया, देखो ट्रिक क्या देने का मन किया, सब देखो। एल का मान देख लेना, सुनो एल का मान देख लेना ठीक है, और टोटल और वाइटल के लिए 12 प्लस 1 कर देना, 12 प्लस 1 हो गया। एक ट्रिक था, एक होगी इन क्या चक्कर है बता दीजिए। एल का मान देख लेना और टोटल ऑर्बिटल पूछ देगा तो सीधे कर देना 12 प्लस 1, ओके समझा दिए इसको। बोलो एल का मान 0 है, बोलो कौन सा सबसे, बोलो कौन सा सबसे, यानी टोटल ऑर्बिटल क्या हुआ, सूत्र से ट्रिक से बोलो टोटल ऑर्बिटल, बोलो ना 0 प्लस 1, बोलो एस सबसे में कितना ऑर्बिटल। रुको रुको, प्यार कर रहे हैं तभी ऐसा सिखा रहे हैं। L1 तो टोटल ऑर्बिटल बोलो, ओके
इंटू वन प्लस वन, बोलो p सब सेल में कितना ऑर्बिटल, बोलो टोटल ऑर्बिटल का मान निकालना सीखा, सब सेल में कितना ऑर्बिटल होगा आपको पता चल, बोलो बच्चा हाईटेक मैंने पढ़ते पढ़ते थक नहीं जाना है, l बराबर टू टोटल ऑर्बिटल कितना आया, पांच आया, बोलो टू इंटू टू प्लस है ना, यानी L बराबर तीन, यानी F सबसे सात आए, दिमाग खुल रहा है ना, L बराबर चार, टोटल ऑर्बिटल नाइन ऑर्बिटल, बहुत बच्चा समझा कि नहीं समझा, इट इज टोटल ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल याद रखना है इन ए सेल, क्या ट्रिक मिला कि नहीं मिला, क्या मिला, किस लाइन को पढ़ो, क्या है किसी भी जगह पर टोटल ऑर्बिटल का मान निकल जाए, बोलो दिमाग खुला, यहां तक दिमाग खुल चुका है, अब कोई पूछ दे तुमसे, कोई पूछे यहां दिमाग लगाना, यहां दिमाग लगाना, और मेहनत का चीज है जो मिल रहा है देखते चलो, एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल, बी सब सेल में, बी सब सेल में, एक्स सब सेल में, बी सब सेल में, किस सब सेल में कौन ऑर्बिटल, कितना ऑर्बिटल पता चल, अब जरा दिमाग खोलो, सब सेल इलेक्ट्रॉन का आकार था सर, अब वो आकार कहां कहां नाचेगा सर, उसी को ऑर्बिटल कहते हैं, जहां जहां नाचेगा सर वही वही उसकी संभावना होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, उसी को ऑर्बिटल बोलेंगे, क्या यहाँ तक ठीक है, जवाब देना मन लगा के, सब चीज तुम्हारा यहाँ क्लियर हो गया है, दिमाग एक चीज खोल दो सिर्फ, चौथा क्वांटम नंबर हमारा कौन है, स्पिन क्वांटम, चौथा क्वांटम नंबर कौन है, स्पिन क्वांटम नंबर, एस इंट्रोड्यूस्ड बाय अहलेन वेट एंड गाउड स्मिथ, अहलेन वेट एंड गाउड स्मिथ, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों और परिक्रमा कर रहा है, साथ में घूर्णन भी कर रहा है, घूर्णन इज स्पिन, बोलो समझ पाया, दैट इज कॉल्ड रोटेशन एंड परिक्रमा इज रिवॉल्यूशन, बोलो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन, साथ में क्या कर रहा है, रोटेशन, तो रोटेशन दो ही तरह का करता है, क्लॉकवाइज और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, स्पिन दो ही तरह का होता है, कैसा, क्लॉकवाइज और कोई प्रेशर नहीं है, नॉट हाँ बढ़िया, इट गिव्स द idea about a spin of electron in an orbital, in an orbital, बोलो बबुआ यहां का मुख्य शब्द क्या हुआ बबुआ, देख लो यहां का मुख्य शब्द, बस यहाँ का मुख्य शब्द स्पिन, किसका स्पिन, इलेक्ट्रॉन का, कहाँ, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में स्पिन दो ही तरह से करेगा, बोलो ठीक है ना, यानी स्पिन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, कोई बच्चा उसको ऐसे लिखेगा, देखना एस का मान प्लस हाफ और एंटी क्लॉक वाइज, एक का मान लिया गया है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है, एंटी क्लॉक वाइज एस का मान माइनस हाफ, एस का दो ही मान आएगा, प्लस हाफ या माइनस हाफ, एस माने स्पिन क्वांटम नंबर, बोलो तो प्लस हाफ और माइनस हाफ, अब देखो अगर प्लस हाफ है ऐसा है, देखो या ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा है या ऐसा, देखो
देखो क्लॉक वाइज या राइट एंगल वाइज, देखो कैसे लिख देगा। देखो वो दिखाए, उसका संदेश दिए, निर्देश कैसा होता है। देखो तीर खड़ा है, ऊपर है, दैट इज क्लॉक वाइज, तीर झुक गया एंटी क्लॉक वाइज, या ऐसे हाथ खड़ा करे कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरह से हो सकता है, या ऐसे झुका दे। बोले बच्चा समझ में आया? तो क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज समझ में आया? ये कौन सा क्वांटम नंबर था? अगर स्पिन क्वांटम नंबर में एस का मान दो ही हो सकता है, कौन कौन? माइनस हाफ, बोलो प्लस हाफ और माइनस हाफ, क्लियर हुआ? बोलो एस का मान क्या हो सकता था? प्लस हाफ और माइनस हाफ, यहाँ तक सीखा? एस का मान प्लस हाफ और माइनस हाफ, बोलो बच्चे यहाँ तो ठीक है। अब जरा गौर करना, सब मन लगा के बोलो कौन सा क्वांटम नंबर, उससे पहले क्या पढ़ा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बोलो पढ़ा ना, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उससे पहले क्या पढ़ा? मार्जिनल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, उससे पहले क्या पढ़ा? क्या दिमाग खुला? अब तुम आपके पास कितना बता दे, इतना देर तुम मेहनत कर दिया, वो बता, दिल लगा के रहना, अब घबराना कहीं मुझे। ये एन सुनना, ये एल, ये एम, ये एस, तू परेशान नहीं होना, और उतारना नहीं, उतारने उतारने मजा नहीं आता, पढ़ाई में तो बेकार लगता है। बोलना एन वन, क्योंकि ऑर्बिट पहला से शुरू होता है, बोलो yes, रिवीजन मारना है, थोड़ा बल लगेगा समझा, लेकिन बल के बाद जो है ना थोड़ा कमांड में भी आ जाएगा, बल तो लगेगा लेकिन फिर जब इस घोड़ा को कमांड में ले आओगे फिर तो इसका मालिक तुम हो, तुम्हारा ही आदेश मानेगा। बोलो कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट है N1? Yes, sir. N1 तो L0 होता है। Yes, sir. क्लियर? धीरे yes, धीरे आराम से। और L0 तो M0 होता है। तो एक S सबसेल का एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक ठाक है? Yes, और इस एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दो रहेगा, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। सुना? बर्दाश्त करना, अकबक लग रहा होगा, फिर सुनो बच्चे, वो अकबक लगेगा। बोलो कौन सा ऑर्बिट, कौन सा सबसे? एस सबसे, एस सबसे को कितना ऑर्बिटल, एस सबसेल को कितना ऑर्बिटल, एस सबसेल को कितना ऑर्बिटल, एस सबसेल को कितना ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिट, कौन सा सबसेल, कौन सा ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल, ताकि इसका कोई डायरेक्शन होता है नहीं है, हर डायरेक्शन में एक होता है, बोलो yes, और उसमें दो इलेक्ट्रॉन देगा क्लॉकवाइज और एंटीक्लॉकवाइज। वन मतलब ये N1, कौन सा ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा सबसे है, यही तो दिमाग दे रहे हैं, इसी चीज पर तुम्हें अंदर हिम्मत दे रहे हैं। ये जीरो का अर्थ समझ में आया, सबसे है, कौन सा सबसे, हाँ, यानी तुम्हारे अंदर में ये बात जगाने के लिए कर रहे हैं कि है कौन, क्या बच्चा हो तुम, करोगे बचपना तुम। बोलो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये कौन है, बोलो फर्स्ट ऑर्बिट, आप समझ में आया, फर्स्ट ऑर्बिट है और उसमें कौन सा सबसे है, जीरो। इसका ये एक ऑर्बिटल, दिस इज वन ऑर्बिटल, इट इज ऑर्बिटल, इसी में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटीक्लॉकवाइज, सिखा दे रहे हैं। अब क्या इसमें हिम्मत है वो पी लाने का, ये वन है ये जीरो है, क्या आप वन लाइएगा, नहीं वन नहीं लाइएगा तो पी होगा नहीं, तो एल जीरो माने एस, सुना कि नहीं सुना, देखना अभी यही प्लस हाफ यही माइनस हाफ है, बोलो बच्चा दिमाग खुला, अब थोड़ा आपको हिम्मत दो, ये जो है ना सर, ये यही ऑर्बिटल है, प्यार से टॉपिक को प्यार से ले जाना है। अब देखना बुआ, यहाँ कहीं भरोसा टूटेगा, फिर सीखे। बोलो बच्चा ये कौन सा ऑर्बिट, फर्स्ट पढ़ा दिए, ये सेकेंड ऑर्बिट है, क्या करना है फिर से, सेकेंड ऑर्बिट है, एल का मान जीरो और पूरा फ्लैश बैक करिए, क्या हम तो अभी छोटे बच्चे हैं। बोलो सेकेंड ऑर्बिट है वो, yes, तो सेकेंड ऑर्बिट,
सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट देखो यहाँ, ये देखो सेकेंड ऑर्बिट, देखो देखो सेकेंड, बोलो सेकेंड ऑर्बिट में एल दो ही होगा ना, मजा है यार, यस सर, टू एस और टू बी, हिम्मत बढ़ा, यस सर, नहीं हिम्मत बढ़ाना चाहिए कि सेकेंड ऑर्बिट में दो ही वो सबसे होगा सर, एस और बी होगा सर, और कुछ नहीं होने वाला है, टू एस टू बी उसी का नाम है सर, आज तुमको दिल लगा के सिखा दे रहे हैं, एकदम कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं टूटेगा कि हम सीखे देखे कौन सा ऑर्बिट है, समझ में आ रहा है ना, उसमें ये कौन सा सबसे है, टू एस, एस माने टू एस, सेकेंड ऑर्बिट का एस, सेकेंड ऑर्बिट का है, ये कौन था बोलो, यानी मेरा बच्चा एकदम सीख रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट का एस था, इसको वन एस बोल सकते हैं सर, सर उसको हम वन एस बोल सकते हैं, बोल बच्चा हिम्मत बड़ा, बताओ वन एस क्यों बोले, समझ में आया, उस वन एस में एक ऑर्बिटल है सर, उस एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है सर, यहाँ जो भी दिखाए थे फिर हटा लिए, क्लियर हो गया, अब बताओ ये सेकेंड ऑर्बिट है, बोल बच्चा ये कौन सा ऑर्बिट है, ये एल जीरो, जीरो मतलब ये कौन सा है, टू एस है, मजा आया, ये कौन है, हिम्मत बढ़ाना, अब दिल लगाना, ये जीरो है, ये जीरो मतलब वन मान एक मान, और ये वन है क्या तीन मान, माइनस वन जीरो प्लस वन, यानी तीन ऑर्बिटल, मजा आ रहा है, प्यार करना टॉपिक से, हिम्मत रखना, बोलो ई टू सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट बोलो, सेकेंड ऑर्बिट में कितना सबसेल, कौन कौन, हाँ बोलो टू एस, सबसेल में कितना ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल, कितना ऑर्बिटल, टू पी में कितना ऑर्बिटल, बोलो अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन हटेगा ना, बोलो मिटाएंगे, फिर पहले देखते चलो, दो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, बोलो ना, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, रुके रहना, ए मेरे बच्चे, इडी वन ऑर्बिटल, बोलो एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, बोलो इडी वन ऑर्बिटल, इडी वन ऑर्बिटल, इडी वन ऑर्बिटल, समझ आया, बोलो कितना ऑर्बिटल, छह ऑर्बिटल, कितना मैंने तीन ऑर्बिटल, कितना इलेक्ट्रॉन, छह और दो वाले टोटल आठ इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में अधिकतम कितना, समझ में आया, यानी 18 प्लस माइनस हाफ, 18 प्लस माइनस हाफ कॉमा, प्लस माइनस हाफ कॉमा, प्लस माइनस हाफ, दो इलेक्ट्रॉन, दो चार इलेक्ट्रॉन, दो छह इलेक्ट्रॉन, दो समझ में आया, मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ ये कौन है, ये कौन है, 2s 2p, और ये कौन है, 2s का एक ऑर्बिटल, 2p का तीन ऑर्बिटल, समझ में आया ना, उस एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, इस तीन ऑर्बिटल में दो छह आठ इलेक्ट्रॉन, दिमाग खुला, एकदम दिल लगाए रहना, मन लग रहा है सीख जाओगे, फाइनल राउंड चल रहा है, फाइनल राउंड चल रहा है, देखते रहना, अब जरूर है माइंड ओपन हुआ है थोड़ा थोड़ा, देखना कौन सा ऑर्बिट, अभी फर्स्ट ऑर्बिट सिखा दिए, थर्ड सेकंड सिखा दिए, थर्ड है, हिम्मत से काम लेना, थर्ड ऑर्बिट क्लियर है, बोलो ये एन 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 थ्री, एल का मान जीरो, मजा आया, यानी कितनी, मजा आया, अब रुकना, देखना दिमाग, ये अगर एन है तो एल आया जीरो वन टू, ये जीरो तो एम जीरो, यानी एक और आया, बोलो ये वन आया फिर तीन, माइनस वन जीरो प्लस, यानी तीन और आया, मजा आ रहा है टॉपिक में, ये एल टू थ्री माइनस वन माइनस टू जीरो प्लस वन प्लस टू, यानी पांच और आया, बोलो बच्चा समझ पा रहा है, आप बोलना बच्चा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, इसमें इसमें दस, दस छह सौ सोलह और दो अठारह, अठारह इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, दिमाग खुला, बताना दिमाग यहाँ चाहते तुम लोग आज मजबूत हो जाए, तो बताओ थर्ड ऑर्बिट में कितना सबसेल, कितना ऑर्बिटल, ऑर्बिटल
पसीना छूट जाता है तुरंत, कहता है आईआईटी करेगा, बड़ी हो गया, ऐसा नहीं है। कौन सा ऑर्बिट? कितना सबसे? कितना ऑर्बिटल? कितना इलेक्ट्रॉन? 18। यानी एन ऑर्बिट, एन सबसेल, एन स्क्वायर ऑर्बिटल, टू एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। सोचो, सुनो सुनो, कौन सा ऑर्बिट? बोलना सीखो। कौन सा ऑर्बिट? कितना सबसेल? तीन सबसेल। देखो कितना ऑर्बिटल? तीन का स्क्वायर बोलो नौ। देखो पांच तीन आठ एक, कितना इलेक्ट्रॉन? अभी सब में दो दो को इलेक्ट्रॉन आएगा। एगो क्लॉक वाइज, एगो दिमाग खुला कि नहीं खुला? बिल्कुल खुल रहा है। ये बोलो कि पहली बार सीख रहे हैं तो थोड़ा लड़खड़ाते हैं, लेकिन सीख रहे। बोलो थर्ड ऑर्बिट में कौन कौन सा सबसेल है? एसपीडी। पता चल गया? यस सर। तो थर्ड ऑर्बिट में एसपीडी है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन? दो। पी में कितना इलेक्ट्रॉन? डी में कितना इलेक्ट्रॉन? पता चलता है? यस सर। असल में इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दीजिए, किसमें क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखिए। जो लिखते हैं प्लस माइनस हाफ, यहाँ तीन बार लिखना, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, यहाँ पांच बार लिखना, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ। चौथा ऑर्बिट खुद से सजाइए, चलिए करिए, बढ़िया से करिए। चौथा ऑर्बिट मतलब आपके सीखने का चीज है, फैल फैलाव से करिए, जितना जगह मांगता है दीजिए, उसको कमी नहीं दीजिए, बहुत बढ़िया से करिए। फोर्थ ऑर्बिट खुद से बनाइए, यानी फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट चार, एल का मान जीरो, वन टू थ्री। क्या भाई ठीक है हम लोग? इसको क्या कहेंगे बोलो तो, तुम लोग बोलो बोलो। नहीं बोला? अभी भी नहीं बोला है। फोर एस है ये, ये ये इसलिए बुलवाते हैं ना कि इतना समझ में क्या है। सुनो ना कि एन चार है तो एल जीरो भी हो सकता है, और एस एन चार है तो एल वन भी हो सकता है, ये चार बी। एन फोर है एल दो भी हो सकता है, और डी। एन फोर है एल तीन भी हो सकता है, और एफ। क्या समझ में आया? अब ये जीरो बोलो, बच्चा बच्चा बोलो, ये जीरो तो ये जीरो, अरे बोलो रे अच्छा से बोलो, ये जीरो तो ये जीरो, ये वन तो ये माइनस वन, जीरो, ये टू तो ये माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, और ये थ्री तो ये माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू। आदत लगवा दी है, कैसा होता है आपके अंदर में कोई नर्वसनेस नहीं है, ऐसा होता है। और सब में इलेक्ट्रॉन आएगा, जान ही रहे हो,
क्वेश्चन आप लिखने को जरूरत नहीं है। हो गया, यहाँ तक समझ में आया? तो बता दो एक बार, हो गया फाइनल? मैंने यहाँ से चार को खाली ट्रिक लिख देंगे, फ्री हो जाओगे। यहाँ से ट्रिक अभी तुम सीखा। बोलो, किसी भी ऑर्बिट में मेहनत करना, जवाब देना, सब बच्चा शुद्ध जवाब दो। किसी भी ऑर्बिट में, बोलो ऑर्बिट ये है? Yes, sir. सब बच्चा यहाँ खोलन, कहाँ कलम चला रहे हो, यहाँ दिमाग खोलन ट्रिक में। कौन सा ऑर्बिट? कितना सबसेल? याद करना, जो ऑर्बिट उतना ही सबसेल। कितना ऑर्बिट? 16। अपने मन से बोलो, 7, 5, 12, 3, 15, 1। क्या दिमाग खुला? Yes, sir. यानी बोलो, जो चार है ये क्या होगा? चार, ये 16, ये ट्रिक। क्या करना, किसी भी ऑर्बिट में पूछ दे उतना ही सबसेल बोल दे। स्क्वायर कर देना ऑर्बिटल, ट्रू एन स्क्वायर कर देना इलेक्ट्रॉन। सुना कि नहीं सुना? फिर मजा नहीं आएगा, जब ट्रिक ही नहीं सीखा, पढ़ाई से क्या हुआ? ए बच्चा, ये सब कोडिंग है, देखो कोडिंग है ना, लेकिन तुम समझा है, इसलिए तुमको पता है। किसी अनजान को पूछ दोगे क्या ये क्या है, पता ही नहीं चल रहा। तुमको पता चल गया, कोई पूछ दे अचानक पूछ दे, ये वाला है ऐसे पूछ देगा, अरे बबुआ ये बताओ इसका सबसेल क्या होगा? पूछेगा इसका स्पिन क्या हो सकता है? इसका स्पिन क्या हो सकता है? प्लस हाफ और माइनस हाफ, स्पिन दुबे बोलता है। सुना रे बच्चा? Yes, sir. तो इसका स्पिन क्या हो सकता है? Yes, सुना रे बच्चा? Yes, sir. इसका m का मान क्या हो सकता है? m का मान क्या हो सकता है? -3 से लेकर +3। सुना रे बच्चा? Yes, sir. तो इसका m का मान क्या हो सकता है? सुना रे बच्चा? Yes, sir. क्या इसका m का मान 0 हो सकता है? गद्दार yes, भी इसका m का मान 0 हो सकता है? Yes, अब 0 तो है, वो भी नहीं दिख रहा है, सोचो पावर का चश्मा लगाना होगा। क्या इसका m का मान 0 हो सकता है? Yes, इसका m 0 हो सकता है? Yes, m 0 हो सकता है? Yes, है तो दिखने रहा है, मजा आ रहा है, अंधे बनो मजा आ रहा है। इसका m का मान 0 हो सकता है? Yes, इसका m का मान 0 हो सकता है? Yes, दिमाग खुल गया। इसका m का मान 1 हो सकता है ना? इसका m का मान 3 हो सकता है ना? इसका m का मान 1 हो सकता है ना? आप जरूर दिमाग खुला के, इधर ट्रिकी है, छल है, क्या ठीक है ना? इसका m का मान 5 हो सकता है? नहीं, 4। क्लियर हुआ? दिमाग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? पूरे दिमाग खुलेगा, मजा तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ आ गए, अब पूछते हैं क्या इसका m का मान 2 हो सकता है? क्यों? क्योंकि इसका m का मान होगा -1, 0, +1। तू कहां से है? क्या इसका m का मान 0 हो सकता है? 1 हो सकता है? 2 हो सकता है? 3 हो सकता है? ओके, पढ़ने से फायदा है, ठीक है ना? इसका m का मान 3 हो सकता है? 0 हो सकता है? ओके, पढ़ाई ये है, देखते ही अंगुली रखते ही समझ में आ गया ये क्या क्या कर सकते, है ना? क्या NLMS चारे को क्वांटम नंबर था ना? Yes, sir. NLMS। अब मैं पूछता हूं क्या चौथा ऑर्बिट में G हो सकता है? यहाँ G होगा, ओके? बिल्कुल होगा ना? क्यों नहीं होगा? सुन ऐसे बोलना, जब साइंस का बच्चा ऐसे बोलेगा, एन फोर है, एल 0, 1, 2, 3, बस एस पी डी एस, जी कहां से? क्लियर हुआ? Yes, अंदर से फाइटिंग मैकेनिज्म आना है, एंटीबॉडी तैयार हो जाना है कि फाइट करेंगे क्वेश्चन से,
क्लियर है, क्वेश्चन से फाइट करना है। आ जाओ देखते हैं इसका सकल, देख इसको देख लिया क्या इसका एम जीरो हो सकता है? यस सर। एम जीरो हो जाएगा? यस सर। एम जीरो होगा? यस सर। है सही बात है, दिमाग खुला। यस सर। इसका एल तीन होगा ना? जीरो वन टू होगा सर, थ्री कहां से हो जाएगा सर? दिमाग खुल रहा है। yes, यही सब पढ़ाई है कि डिसिप्लिन भी ला दे रहे हैं सब चीज, ठीक है ना। चलो इसका इसका एल का टोटल मान दो हो सकता है? एल का टोटल मान दो होता है? एल का मान नहीं पूछे, एल का टोटल मान। मजा आया। बोलो एल का टोटल मान दो हो सकता है? yes, दो ही तो होगा, दो ही तो होगा। बताओ सेकेंड ऑर्बिट में एल का टोटल मान दो हो सकता है? एम का टोटल मान चार हो सकता है? गंदा विचार कर रहे हैं। एम का टोटल मान पूछे, एम का टोटल मान पूछे, एम का टोटल मान, एम एम इसको भी एम कहते हैं, 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 एम का टोटल मान। एम मन ऑर्बिटल याद आया? चलो सेकंड ऑर्बिट में ऑर्बिटल का टोटल मान तीन यहाँ पे सुना। सेकेंड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन आठ हो सकता है? आठ होगा ही, दो दो चार दो छह दो आठ। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या जीरो हो सकती है? खाली रहेगा जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो एच प्लस, एच में एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस प्लस में एक लॉस, एच प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन? वन एस में जीरो इलेक्ट्रॉन हो सकता है? देखो हालत खराब, वन एस अबे एस में इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं तो इसमें जीरो नहीं हो सकता है, या किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे तो इसमें जीरो नहीं होगा? जीरो हो सकता है कि जीरो होगा ये पूछ रहे हैं? जीरो हो सकता है? डी में जीरो हो सकता है? अबे नहीं भरेंगे तो जीरो नहीं होगा। और कान देखना, पी में जीरो हो सकता है? अभी भी डर, पी में जीरो इलेक्ट्रॉन हो सकता है? दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है? हालत खराब, क्योंकि पी देखना नहीं आता। जीरो इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकता है? थोड़ा हालत खाली देख रहे हार्ट बीट, अबे गंदे सर से इलेक्ट्रॉन हटा लेंगे, जीरो नहीं हो सकता है? कहेगा सर इसको समझाएगी, मान लो हाइड्रोजन है, ए हाइड्रोजन है, उसको कहे चल हाइड्रोजन तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, बोलो है ना? तो बोलो उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा ना? यही खत्म हो गया ना? सुनो अरे एस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ आया ना? अबे गंदे आदमी यही रहेगा, यहाँ क्यों आएगा? तुम्हारा दिमाग खाली एकदम ब्लास्ट टाइप का कर रहे हैं। बोलो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? एक आ गया यहाँ, आ गया यहाँ, उसको दूसरे से क्या मतलब है? तो पूछेंगे हाइड्रोजन में 2s इलेक्ट्रॉन कितना है? 2p इलेक्ट्रॉन कितना? समझ में आया? 1s इलेक्ट्रॉन कितना? समझ में आया? पूरा सारा दिमाग होल्ड कर दे रहे, मजबूत कर दे रहे। मान लो कार्बन है, ए कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बोलो कार्बन के पास 6 है, देखो 6 है ना? बोलो यहाँ कितना आएगा? यहाँ 2, 4 हुआ, देखो यहाँ 5, देखो यहाँ 6, बोलो आएगा कि नहीं? पूछेंगे कार्बन जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आया, बोलो आया? कहाँ आया? कहाँ आया? आया ना, कहाँ आया? तो बोलो उसके पी में कितना इलेक्ट्रॉन आया? समझ में आया? उसके 2s में कितना आया? उसके 1s में कितना आया? देखा केमिस्ट्री, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, बोलो
सोडियम में यहाँ कितना आया? दो, यहाँ दो, यहाँ छह, दो दो चार और छह दस। अगला एक यहाँ आएगा सर, समझ में आया? स्मार्ट टॉपिक पढ़ाते हैं यार, दिमाग खुल रहा है ना? मानो क्लोरीन में 17 बोल दिया, क्लोरीन में 17, पहले दो यहाँ, दो चार छह दस, दो बारह पांच यहाँ आएगा ना? ये बन जाएगा यहाँ, ये बन जाएगा यहाँ, ये बन जाएगा यहाँ आएगा, ऐसा बढ़ते रहेगा। सुना? माइंड तो तेज कर रहे हैं, ये बोलो माइंड छोटा नहीं बना कर रहे, बस आगे बढ़कर तूफानों ने पढ़ा रहे हैं इंटर का सिलेबस, समझा रहे हैं, दिमाग खोल रहे हैं। अब बताओ कि क्लोरीन 17 समझा दी है ना? अब अगर पूछ देंगे तुमसे हीलियम 2, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ होगा? बोलो यहाँ होगा ना? यहाँ होगा ना? समझ में आया? आप बताना, तो बताना, दिमाग तेज है, चेक कर रहे हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चा बोल दिया, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन है, बोलो इसका L का मान हो सकता है 0, 1, 2, 3, 0 होगा ना? क्योंकि ये इसका मान 0 है, बोलो 0 है ना? तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यही है, आगे का क्यों सोचे? यही है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका L पूछ रहे हैं, बोलो ये इसका L क्या है? 0। क्या 0 का मतलब क्या है? अगर मान लो देखो यार, दिमाग खुलेगा, मान लो ये हटा दे, माइंड तो तेज हो ही जाएगा। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, बोलो इसमें M का मान क्या हो सकता है? सोचना है M का मान, ठीक है? 0, 1, 2, 3। बोलो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन? कितना इलेक्ट्रॉन? 11। बोलो 2 यहाँ है, 2 4 यहाँ है, 6 10 यहाँ है, 11 यहाँ है, बोलो है ना? इसमें M, बोलो इसका M क्या है? 0। इसका M क्या है? इसका M क्या है? क्या M2 कभी होगा? क्या M2 कभी होगा? क्यों नहीं 2 होगा? इधर आया ही नहीं, 11 इलेक्ट्रॉन था ना सर, कितना इलेक्ट्रॉन था? 11 में बोलो यहाँ आया 2 ठो, यहाँ आया 2 ठो, यहाँ आया 6 ठो, यहाँ आया 1 ठो, लग। क्या 11 लग हो गया ना? बोलो इसमें M का मान क्या क्या हो सकता है? 0, 0, 1, 0, इतना ही होगा? क्या 2 होगा? इसमें हम 2 जगह टिक मारेंगे ना, ये दोनों को टिक मारेंगे, क्यों? डिसिप्लिन है, कौन कहाँ होगा, किसकी क्या ताकत होगी पहले से पता है। ये वाला भाषा समझ में आया आपको? किस एन का क्या एल होगा, क्या एम होगा, क्या एस होगा, पता चल गया? एस का तो दुवे को माने होते हैं, प्लस ऑफ और माइनस। तो बोलिए थर्ड ऑर्बिट का एल क्या क्या हो सकता है, एम क्या क्या हो सकता है? 0, -1, -2, +2 कुछ भी हो सकता है। क्या दिमाग खुल रहा है ना? क्योंकि ये एल 0 तो एम, एल एम 1 तो एम, एल 2 तो एम। अगर आप बोल दें एम का मान 3 तो मानोगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि एम 3 तो एल 0, 1, 2, एल 0, 1, 2 तो एम, 0 का 0, एम का -1, 0 प्लस 1 यहाँ, -2 ये, यहाँ 3 कैसे मान लेंगे? नहीं मानेंगे। सुना? मैंने यहाँ पर बोल दे कि 2 में निर्णय दे, कोई बोल दे कि 3F सही है ना? क्या 3F सही है? नहीं सही है। क्यों 3F सही नहीं? क्योंकि हम जानते हैं n बराबर 3, तो l बराबर 0, 1, 2, s, p, t, f पास करेगा, गलत नाम है, गलत कोई बोल ही दिया 3F, काटोगे कि नहीं? क्यों काटोगे, समझ में आया? आप देखते हैं मेरा बचवा सब का दिमाग थोड़ा सा तेज हुआ, मजा आ जाएगा देखना। चल रहा है उत्सव, ट्रायल चल रहा है, तेरा बच्चा लोग क्या किया अब बताना? 124 क्या सही है?
मजा आएगा। एम एल एम एम क्या है? एम वन, तो एल क्या होगा? जीरो। एल यहाँ क्या हो गया? टू। गलत है सर, हटिए हटाइए सर। कैसे जान गया कि साई 124 गलत? एम एल एम, समझ में आया? क्योंकि एम अगर वन है, एल क्या होगा? जीरो होगा, और कुछ होगा ही नहीं। इसके दो लिंग देने से क्या मार लेंगे? मार मारेंगे, गलत। अपराधी है ही नहीं है, जिस अपराधी को हम पकड़ रहे हैं वो अपराधी है ही नहीं। हटा इसको। क्या भाषा समझ पा रहे हो? हटाना है, मजा आएगा। चलो साय 310, क्या ये सही? चेक करो। ये एम क्या है? तीन। एल क्या हो सकता है? जीरो। ये एल सही है। अब बोलो एल जीरो का एम जीरो हो सकता है? इसका भी एम जीरो हो सकता है, इसका भी एम जीरो हो सकता है, बोलो ना। ये सही है। क्या परसेंट यहाँ समझा? मालूम थोड़ा थोड़ा समझा? क्या यहाँ थोड़ा समझा? एन एल एम, एन क्या है? एल क्या हो सकता? और इस जीरो का एम बोलो ना सही है। मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि गेम क्या है? कोडिंग, कोडिंग पकड़ लेगा सही है कि गलत, है ना? अब बताना साय 222 क्या सही है? क्यों क्यों क्यों? एम तो है, मतलब एल होना चाहिए, जीरो है, गलत। साय 222 नहीं हो सकता, साय 123 नहीं हो सकता, पकड़ लीजिए। साय 400 होगा, साय 410 होगा, क्या ठीक है ना? मैं सब खेल कल बताऊंगा। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir.